ऐसे कर देते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक बिल्कुल नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं। नया इन द सेंस कि ज्यादा इस पर अभी बातचीत नहीं होती, ज्यादा लोगों के को अभी पता नहीं है कि टॉपिक इतना नया नहीं है। बात इस पर कई सालों से हो रही है, लेकिन हमने अपने लिटरेचर में इसको कम पढ़ा है। एंड्रेगॉजी, देखिए अभी तक हम लोग पेडेगॉजी की बात करते थे, उसी को बेहतर अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कई चीजें उसमें जो भी हम लोग को लगता है नए टर्म्स हैं, और अब एंड्रेगॉजी की बात होने लगी। और एंड्रेगॉजी का टॉपिक इसलिए मैंने चुना है कि ये आपके न्यू नेट के सिलेबस में भी आ गया है, एंड्रेगॉजी इन एजुकेशन, है ना, इसलिए इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। ये मेरा डिटेल आप लोग जानते हैं, और ये वो साहब हैं मैकॉम नॉवेल्स जिन्होंने एंड्रेगॉजी को इतना पॉपुलर बनाया। ये आप कह सकते हैं फादर ऑफ एंड्रेगॉजी, या आप कह सकते हैं कि इनकी वजह से हम एंड्रेगॉजी पर बात कर रहे हैं। ओके, क्या है एंड्रेगॉजी? देखिए इतना नया नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ एंड्रेगॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाई एलेक्जेंडर कैप इन 1833। कितना पुराना है? 100 साल से ज्यादा हो चुका। तो इस कंसेप्ट की सबको सबसे पहले अलेक्जेंडर कैप ने डिफाइन किया था, टू डिस्क्राइब द टीचिंग स्टाइल ऑफ प्लेटो। प्लेटो की टीचिंग स्टाइल को डिस्क्राइब करने के लिए, तो प्लेटो और पुराने हो गए। हु फॉर्मलाइज्ड सोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जिन्होंने सुकरात के प्रिंसिपल्स को फॉर्मलाइज किया। तो सुकरात के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? स्टूडेंट्स लर्न थ्रू द यूज ऑफ रीजनिंग, यानी कि जो छात्र हैं वो रीजनिंग करके, तर्क करके, क्रिटिकल थिंकिंग से और लॉजिक से सीखते हैं। इन सब को डिफाइन करते हुए, इन सब को लेते हुए प्लेटो, जो कि सोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, उस टीचिंग स्टाइल को लेते हुए अलेक्जेंडर कैप ने 1833 में इस कंसेप्ट के बारे में बात की थी सबसे पहले। लेकिन फिर ये बात बीच में कहीं खो गई, नहीं इस पर बातचीत हो पाई, लिटरेचर कुछ इस पर नहीं बना। उसके बाद आता 1833 के बाद 1970, 100 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, 1833 में 100 कह रही हूँ, लगभग 200 साल, है ना, ये तो 2000 चल रहा है ना। तो 1970 में क्या हुआ? डिफाइंड इट एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स लर्न एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम प्री एडल्ट स्कूलिंग। नॉवेल्स कह रहे हैं, अब ये नाम है इसका, प्रोनंसिएशन और भी हो सकता है ना। इन्होंने 1970 में किस तरह से डिफाइन किया है एंड्रेगॉजी को, कि ये आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स लर्न, यानी कि ये वो उसका विज्ञान है, कला है, किस चीज के लिए, जिसकी सहायता से हम एडल्ट वयस्कों को सिखा सकते हैं, वयस्कों के अधिगम में हेल्पफुल है, एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम प्री एडल्ट स्कूलिंग, और इसको एडल्ट से पहले की जो स्कूलिंग है उससे इसको अलग किया है। अब देखो एक बात यहाँ बहुत खास समझने वाली है कि हम लोग जब पियाजे को पढ़ते हैं, है ना, तो पियाजे हमको बताते हैं कि चाइल्ड इज नॉट अ मिनिएचर एडल्ट, यानी कि जो बच्चा है, जो बालक है, वो ऐसा नहीं है कि वो छोटा वयस्क है, बल्कि वो एक अलग इंटिटी है, एडल्ट अलग इंटिटी है। इसीलिए इन्होंने बताया था कि हमको चाइल्ड की अलग तरीके से एजुकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और एडल्ट की खैर उन्होंने बात नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ ये बात किया कि चाइल्ड जो है वो मिनिएचर एडल्ट नहीं है, यानी चाइल्ड समथिंग डिफरेंट है। और इन्होंने ये बताया था हमको पियाजे ने, जैसे हम पहले ही माना जाता था कि बच्चे जो हैं वो कम इंटेलेक्ट है उनके पास, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उनकी डेवलप नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में वो बड़ों से कम नहीं है, बस उनके सोचने का तरीका अलग है, और वो बड़े होकर धीरे धीरे स्टेप वाइज प्रोसेस में उस तरीके को इख्तियार कर लेते हैं जो कि एडल्ट का है ना। याजी ने जैसे ये बात की थी, और ये उन्होंने नोट किया था कि चाइल्ड इज नॉट एज बिग एडल्ट, चाइल्ड क्या लिखा है, चिल्ड्रन आर नॉट जस्ट स्मॉल एडल्ट, वो सिर्फ छोटे वयस्क नहीं है। उसी तरीके से, उसी तर्ज पे नॉवेल्स ने भी नोट किया कि एडल्ट्स आर नॉट सिंपली बिग चिल्ड्रेन। देखिए ये बात हम लोगों के दिमाग में ही नहीं आती, जब हमको कोई इस तरह के साइकोलॉजिस्ट बताकर चले जाते हैं तब हम समझते हैं कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कभी ये बात नहीं आती, क्योंकि हम लोग उस दिशा में उस तरीके से सोचते ही नहीं है, बस जो मिलता है और उसको पढ़ लेते हैं, कई लोग वो भी नहीं करते हैं। तो सिमिलरली नोवेल्स नोटेड दैट एडल्ट्स आर नॉट सिंपली बिग चिल्ड्रेन। उन्होंने ये नोट किया कि जो वयस्क है वो सिर्फ ये नहीं मान सकते कि बड़ा बड़ा बच्चा है, बल्कि वो अलग एंटिटी है, उसके सोचने का तरीका अलग है, उसके लिए एजम्पशंस अलग बनेंगी, उसकी थ्योरी अलग होगी, इसलिए उसका टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होना चाहिए। तो उसी तरह से जैसे पियाजे को, पियाजे इज ऑफन व्यूड एज द फादर ऑफ पेडागॉजी, जैसे पियाजे को शिक्षण शास्त्र का जनक कहा जाता है, उसी प्रकार से
जो नॉवेल्स हैं इनको एंड्रियोलॉजी का जनक कहा जाता है ना, फादर ऑफ एंड्रियोलॉजी। अच्छा, एक बात और बताने वाली है कि जब हम पियाजे को टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो अगर हम उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा रहा है वो पुस्तक हमको, तो वो हमको सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताता है। वो कहीं ये चीज जोड़ के हमको नहीं बताता कि पियाजे का कहीं पेडागॉजी से भी संबंध है। और उसी तरह से पियाजे का इवन कई टेक्स्ट बुक तो उसको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी से भी नहीं जोड़ती है, वो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू करेंगे और सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल बताकर खत्म कर देते हैं कहानी। और हद से बहुत किताबें बताएंगी तो एजुकेशनल इंप्लीकेशन बताएंगी, नहीं तो वो भी नहीं बताएंगी। होना ये चाहिए कि अगर हमको पियाजे पढ़ रहे हैं हम, तो हम पियाजे को इन टोटैलिटी पढ़ें। हम उसको ये भी पढ़ें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका रोल है, फिर हम उसको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में भी उसका रोल पढ़ लें, फिर हमको वहीं पर ये पता हो जाना चाहिए कि वो फादर ऑफ पेडागॉजी भी कहे जाते हैं। ऐसा ना हो कि हम पियाजे को कई सालों से पढ़ते आए हों तब तक अचानक से ये डिस्कवर हो कि वो पेडागॉजी से भी उनका कोई रिलेशनशिप है। ठीक, तो ये चीज़ें आनी चाहिए एक साथ। अच्छा फिर, अच्छा हम ये एंड्रियोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, कैसे इतिहास हुआ, कहाँ से निकल कर आया। फिर नॉवेल्स ने क्या बताया कि इम्फेसाइजेस दैट एडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड। उन्होंने बताया कि जो वयस्क हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनको अंदर से डायरेक्शन मिलती है एंड एक्सपेक्ट, और उनसे ये आशा की जाती है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर डिसीजंस, कि वो अपने लिए हुए निर्णयों के लिए जिम्मेदार स्वयं होंगे। बच्चे क्या कहते हैं, उनके तो पापा ने कहा था, उनकी मम्मी ने कहा है, उनके टीचर ने कहा है, वो अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो इस योग्य नहीं है कि वो अपने डिसीजन ले सकें, है ना। तो इस मायने में एडल्ट और चिल्ड्रेन डिफरेंट हो गए एक दूसरे से, और एडल्ट लर्निंग प्रोग्राम मस्ट accommodate this fundamental aspect। इसलिए अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसका टारगेट ऑडियंस एडल्ट है, तो हमको ये फंडामेंटल एस्पेक्ट को दिमाग में जरूर रखना चाहिए और इसको accommodate करना चाहिए कि वो सेल्फ डायरेक्टेड हैं, एंड वी मे एक्सपेक्ट देम टू सो दैट दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर डिसीजंस, है ना। अच्छा, और क्या है एंड्रियोलॉजी? एंड्रियोलॉजी स्टेट्स दैट फॉर एडल्ट्स, मतलब वयस्कों के लिए, एजुकेशन क्या है, इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन की ये जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एंड ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन स्किल्स, और कंटिन्यूअसली वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन स्किल्स में। ये दो बातें हमको ध्यान रखनी होंगी जब हम कोई टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम एडल्ट के लिए बनाएंगे तो। अच्छा, एक बात और, पेडागॉजी का हम पेडो लेते हैं तो ग्रीक में ये जो ग्रीक वर्ड है पेडो, इसका मतलब होता है चाइल्ड, पेडागॉजी हो जाता है लीडिंग अ चाइल्ड। उसी तरह से एंड्र जो है उसका मतलब मैन है, ये एंड्र ग्रीक वर्ड है, तो एंड्रियोलॉजी क्या हो जाता है, लीडिंग अ मैन। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक तो हम पेडागॉजी को आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग समझ रहे थे, अब ये लीडिंग अ चाइल्ड क्या आ गया, तो पेडागॉजी ये हो जाएगा आर्ट एंड साइंस ऑफ लीडिंग अ चाइल्ड ना? और एंड्रियोलॉजी क्या हो गया, आर्ट एंड साइंस ऑफ लीडिंग अ मैन। ओके, फिर देखिए एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस ऑफ एडल्ट लर्नर्स, मतलब सारा दिक्कत क्या है, सारा अंतर कहां भेद आ रहा है जब वो कह रहा है कि चाइल्ड जो है वो अलग तरीके से सीख रहा है, एडल्ट अलग तरीके से सीख रहा है। इसलिए हमने ये मूलभूत मान्यताएं मान ली कि एडल्ट किस किस मायने में अलग तरीके से सीखते होंगे, तो उसी पर हम बेस्ड उनकी टीचिंग स्ट्रेटेजी कर देंगे। तो इन 1980 में नॉवेल्स मेड फोर एजम्पशंस, उन्होंने चार एजम्पशंस माने थे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स, एडल्ट लर्नर की विशेषताओं के लिए, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द एजम्पशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड लर्नर्स, जो कि चाइल्ड लर्नर से डिफर कर रहे थे। और 1984 में नॉवेल्स ने इसमें पांचवा एजम्पशन जोड़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स या एंड्रियोलॉजी, या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड्रियोलॉजी, या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स, और यही पांच मूलभूत मान्यताएं हैं जिन पर की एंड्रियोलॉजी बेस्ड है, या जो एंड्रियोलॉजी की विशेषता है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 1980 में बता दिया गया, और ये जो पांचवा है 1984 में जोड़ा गया है। तो पहला क्या है, सेल्फ कंसेप्ट, एज ए पर्सन मेच्योर्स, जैसे एक आदमी मेच्योर होता है, हिज और हर सेल्फ कंसेप्ट moves from one of being a dependent personality toward one of being a self-directed human being, यानी कि जैसे जैसे हम maturity की तरफ बढ़ते हैं तो हम dependent किसी पर होने से independent होते जाते हैं, ये बंद करना मैं भूल गई, ठीक है। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस, एडल्ट का जो लर्नर एक्सपीरियंस है एडल्ट लर्नर का, वो चाइल्ड के एक्सपीरियंस से डिफर करेगा। एज ए पर्सन मेच्योर्स ही और शी accumulates a growing reservoir of experience, थोड़ा ये ब्लर हो गया है ना, ग्रोइंग रिजर्वॉयर ऑफ एक्सपीरियंस दैट बिकम्स एन
इंक्रीजिंग रिसोर्स फॉर लर्निंग, या जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा रिजर्वॉयर, हमारा जो संग्रहण है, जो हमारा केंद्र है, जो हमने इतने दिनों में इकट्ठा किया है, वो एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है। तो इस मायने में एडल्ट और चाइल्ड एक दूसरे से अंतर हो गए, क्यों? चाइल्ड के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है और एडल्ट के पास है। रेडीनेस टू लर्न, देखिए आप एक बच्चे को तैयार करने के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत टाइम लगता है आपको, है ना, क्यों? क्योंकि उसका गोल जो है वो डिस्टेंट है, बहुत दूर है। आप नर्सरी क्लास में या फर्स्ट सेकेंड क्लास में या थर्ड फोर्थ इवन एट्थ क्लास में भी अगर आप बच्चे से कहेंगे कि तुम्हें आईएएस बनना है, तो वो कहेगा कि कल थोड़ी आईएएस का एग्जाम होने वाला है या विद इन सिक्स मंथ्स तो होने वाला नहीं है। तो उसके लिए उसका गोल इतना दूर है कि वो रेडी नहीं हो पाता है। और हम जानते हैं थॉर्नडाइक ने हमको बताया है कि रेडी होंगे अगर हम लर्निंग के लिए, तो लर्निंग थ्योरी हमको बताती है कि उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। जबकि एडल्ट क्या है, वो रेडी है, जानता है कि उसका गोल उसके पास है और उसको उसको अचीव करना है। कह रहा है कि एज अ पर्सन मैच्योर्स हिज और हर रेडीनेस टू लर्न बिकम्स ओरिएंटेड इंक्रीजिंगली टू द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ हिज और हर सोशल रोल्स, है ना। अच्छा, फिर चौथा क्या है, ओरिएंटेशन टू लर्निंग। वो ओरिएंट है, उन्मुख है, किसके प्रति, अधिगम के प्रति, या आप कह सकते हैं वो अधिगोन्मुख है, है ना। एज अ पर्सन मैच्योर्स हिज और हर टाइम पर्सपेक्टिव चेंजेस फ्रॉम वन ऑफ पोस्टपोन्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू इमीडिएसी ऑफ एप्लीकेशन। मतलब वो सीखेगा फिर तुरंत उसका एप्लीकेशन भी करने के लिए उसको मौका मिल जाएगा या मौका मिल जाता है, वो ओरिएंट होता है लर्निंग के लिए। और लास्ट में जो उन्होंने जोड़ा है पांचवें 1984 में सबसे बाद में, मोटिवेशन टू लर्न, कहते हैं कि जो एडल्ट है उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है उसके पास, इन कंपैरिजन टू चाइल्ड जिसके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। यानी कि एडल्ट को आप ये नहीं कहते हैं कि तुम ये पढ़ लो या तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, लेकिन बच्चे को कहा जाता है ना, उसको मोटिवेशन हमको एक्सट्रिंसिक देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है बाहर से, रिवॉर्ड प्रेज, जबकि कोई गिफ्ट, कोई चॉकलेट, कोई इस तरीके की सबके सामने अच्छी बोली हुई बात, जबकि एडल्ट के लिए इंट्रिंसिक हो सकता है, मतलब प्रेज के लिए, सक्सेस के लिए, अचीवमेंट के लिए, है ना। अच्छा, फिर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रागोजी। एंड्रागोजी के चार सिद्धांत हैं, वो पांच क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और ये चार क्या है, सिद्धांत हैं। 1984 में इन्होंने ये भी काम किया है, सजेस्टेड फोर प्रिंसिपल्स दैट आर अप्लाई टू एडल्ट लर्निंग। उन्होंने कहा कि चार ये सिद्धांत हो सकते हैं जो एडल्ट लर्निंग पर अप्लाई किए जा सकते हैं। पहला क्या, इन्वॉल्व्ड एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट क्या होते हैं, नीड टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। वो कह रहे हैं कि जब आप उनके लिए प्लान कर रहे हैं उनका करिकुलम, तो आप उनको इन्वॉल्व कर लीजिए, तो वो बता सकते हैं क्या उनके लिए बेहतर है, क्या उनके लिए बेहतर नहीं है, किसकी उन्हें जरूरत है, किसकी उनको जरूरत नहीं है। तो हम एडल्ट लर्नर को इन्वॉल्व कर सकते हैं प्लानिंग और इवेल्युएशन के स्टेज पे। फिर एडल्ट लर्नर्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मिस्टेक्स प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द लर्निंग एक्टिविटीज। उनका एक्सपीरियंस इनरिच्ड है और वो एक्सपीरियंस हमको वो बेसिस प्रोवाइड कर सकता है जिसके आधार पर हम उनकी लर्निंग एक्टिविटीज सुनिश्चित करें। फिर रेलेवेंस एंड इम्पैक्ट टू लर्नर्स लाइफ्स। हमको ऐसा बनाना होगा, वो लर्निंग ऐसी होगी, होनी चाहिए जो रेलेवेंट हो। अगर रेलेवेंट नहीं होगी, इररेलेवेंट होगी, तो वो बिल्कुल भी उसको पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी उनका उसमें मन नहीं लगेगा पढ़ने में, और उनके जीवन को वो कहीं से भी इम्पैक्टफुल भी नहीं होगी, प्रभावित भी नहीं करेगी। और लास्ट में प्रॉब्लम सेंटर्ड, एडल्ट लर्निंग इज प्रॉब्लम सेंटर्ड रादर देन कंटेंट ओरिएंटेड। मतलब कंटेंट, वैसे भी आज के ज़माने में कंटेंट तो भरमार है ना, कंटेंट की कहीं कमी नहीं, कंटेंट ही कंटेंट हमारे पास है, बल्कि हमको कंटेंट ओरिएंटेड ना देके उनको प्रॉब्लम सेंटर्ड बनाना है, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो कि ये इसको हम फिर पियाजे से जोड़ सकते हैं, कैसे, कि पियाजे हमको बोलते हैं कि जब हम सर्टेन एज ऑफ लाइफ स्पैन हम क्रॉस कर लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी या हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो है होती है वो इवॉल्व होती है, वो डेवलप होती है। तो एक एडल्ट के पास ये होती है, ये हमारा प्रूवन है बिकॉज ऑफ पियाजे। हम उनको प्रॉब्लम सेंटर्ड अगर उनकी लर्निंग करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। फिर वैसे तो अगर इसके चाहें तो दूसरा एक पूरी पूरा वीडियो बन सकता है पेडागॉजी वर्सेस एंड्रागोजी का, फिर भी एक क्विक रिव्यू देने की मैंने कोशिश की, भी थोड़ा सा ब्लर हो गया है ना। देखिए लर्नर क्या है, किन किन हम बिंदुओं पर डिफर कर सकते हैं पेडागॉजी और एंड्रागोजी को, लर्नर, रोल ऑफ द लर्नर्स एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन टू लर्निंग और मोटिवेशन फॉर लर्निंग। देखिए ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, सिर्फ ये समझ लीजिए लर्नर जब पेडागॉजिकल मतलब चाइल्ड स्टेज पे है तो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, किस पर, इंस्ट्रक्टर पर। जबकि एंड्रागोजी में लर्नर क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है।
है ना, यहाँ पे वो उस पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर लर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन लर्निंग, इसी तरीके से है ना। यहाँ टीचर इंस्ट्रक्टर इवेलुएट्स लर्निंग होगा, यहाँ पे अभी हमने क्या बात की कि सेल्फ इवेलुएशन है, आप उसको इवेलुएशन में लर्नर को इन्वॉल्व करते हैं। उसी तरह से रोल ऑफ द लर्नर्स एक्सपीरियंस, तो पेडागॉजिकल स्टेज पे या चाइल्ड की स्टेज पे लर्नर कम्स टू द एक्टिविटी विद लिटिल एक्सपीरियंस, उसके पास कम अनुभव होता है, जबकि यहाँ पे सॉरी कि यहाँ पे लर्नर ब्रिंग्स अ ग्रेटर वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। उसी तरह से रेडीनेस टू लर्न में स्टूडेंट्स आर टोल्ड व्हाट दे हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मास्टरी, उनको हमको बताना पड़ता है कि ये कर लोगे तो ये होगा, ये कर लोगे तो ये होगा, उनको रेडी करने में हमको टाइम लगता है, या आप ये कह सकते हैं कि वो कम रेडी होते हैं। जबकि यहाँ पे एनी चेंजेस लाइकली टू ट्रिगर अ रेडीनेस टू लर्न द नीड टू नो इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोर इफेक्टिवली, वो जानते हैं कि वो उन जो सीख रहे हैं उसकी उनको आवश्यकता है, नीड टू नो, जो जानना है उसकी आवश्यकता है, इसलिए वो जान रहे हैं, इसलिए वो रेडी हैं। उसी तरह से ओरिएंटेशन टू लर्निंग, यहाँ पे क्या है, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, जबकि यहाँ क्या है, लर्नर्स वॉन्ट टू परफॉर्म अ टास्क, सॉल्व अ प्रॉब्लम, लिव इन अ मोर सेटिस्फाइंग वे। उसी तरह से मोटिवेशन फॉर लर्निंग यहाँ पे क्या है, जनरली एक्सट्रिंसिक है ना, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे कंपटीशन फॉर ग्रेड्स एंड द कंसीक्वेंसेस ऑफ फेलियर, जबकि यहाँ क्या है, इंटरनल मोटिवेटर्स, जैसे सेल्फ स्टीम, रिकॉग्निशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी हायर एस्पेक्ट की बातें हैं। तो अगर हम पीछे से शुरू करें तो ये क्रम बैठता है एंड्रियोलॉजी का, 1833 से लेकर 2000 तक। 1833 में क्या हुआ, जो पहले बात की गई, अलेक्जेंडर नैप थे जर्मन एजुकेटर, इन्होंने कॉइन द टर्म एंड्रोलॉजी, मतलब शब्द इन्होंने ही दिया है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एंड प्लस एगोजी दैट मींस लीडिंग मेन, है ना, यही बात हो रही थी पीछे भी, इन कंट्रास्ट टू पेडागोजी विच मींस लीडिंग बॉयज या चिल्ड्रन। तो अलेक्जेंडर नैप ने 1833 में शुरू, फिर 1920 में बीच में ये लोग भी आए, 1970 के पहले कौन, एडवर्ड सी लिंडमैन विद मार्था एंडरसन, इन्होंने क्या कहा, रोट अबाउट एंड्रोलॉजी एज दी रियल मेथड फॉर एडल्ट लर्निंग, ये कह रहे हैं एंड्रियोलॉजी जो है वो एडल्ट लर्निंग के लिए रियल मेथड है, पॉपुलराइजिंग द टर्म अमंग एजुकेटर्स एंड एजुकेशन थिंकर्स, और शिक्षाविदों के बीच में उन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज करने का काम किया। फिर आते हैं ये मेन इसके प्रोपेगेटर 1970 में, मैकॉम नॉवेल्स, ये कह रहे हैं फर्दर डेवलप दी थियरी, उन्होंने और डेवलप किया इस थियरी को, एंड वॉज नोन फॉर लेइंग आउट दी एंड्रियोलॉजिकल एजम्पशन एंड प्रिंसिपल्स, वो जो भी हमने एजम्पशन बात की और प्रिंसिपल बात की उसकी इन्होंने बात की, और दिस स्ट्रेंथेंड द फाउंडेशन फॉर ए मूवमेंट टुवर्ड्स मोर लर्नर सेंटर्ड एडल्ट एजुकेशन। तो इस जो उन्होंने प्रिंसिपल और जो उन्होंने एजम्पशन की बात की वो सबको मतलब धर हुए उसके लोग, और एक मूवमेंट चल पड़ा किसकी तरफ, लर्नर सेंटर्ड एडल्ट एजुकेशन की तरफ। और ये प्रक्रिया यहां रुकी नहीं है, 2000 में क्या हो गया, देखिए नया टर्म आ गया ह्यूटेगॉजी, अब नई बात आपसे ह्यूटेगॉजी भी की जाएगी, और ये बहुत पॉपुलर टर्म है, और देखिए कितना नया है, 2000 में बात की गई है इसकी, पहले मुश्किल से 20-21 साल हुए इसको। किसने बात की, स्टीवर्ट हेज एंड क्रिस कैनियन कॉइन्ड द टर्म ह्यूटेगॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। यहां तक तो अभी तक तो एडल्ट लर्निंग की बात हो रही थी, अब सेल्फ डिटरमाइंड होना पड़ेगा आपको। दिस इज सीन एज द नेचुरल प्रोग्रेशन फ्रॉम एंड्रियोलॉजी दैट पुट्स द इंडिविजुअल मोर एट द हेल्म ऑफ देयर लर्निंग, स्पेशली एज ग्रेजुएट्स नीड टू कॉन्स्टेंटली लर्न एंड अडैप्ट, यानी कि आपको सिर्फ बड़ा नहीं होना है बल्कि सेल्फ डिटरमाइंड एडल्ट बनना है। और तब जो बात हो गई ह्यूटेगॉजी, ह्यूटेगॉजी पे बहुत लिटरेचर है, बहुत मटीरियल है, और बहुत बात ह्यूटेगॉजी पे हो रही है। तो ये क्रम कहाँ से चला, पेडागॉजी टू एंड्रियोलॉजी टू ह्यूटेगॉजी। पेडागॉजी में हम कह रहे हैं कि आर्ट एंड साइंस ऑफ लीडिंग अ चाइल्ड, जबकि एंड्रियोलॉजी में आर्ट एंड साइंस ऑफ लीडिंग अ मैन। फिर पेडागॉजी में से एंड्रियोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एडल्ट है वो सिंपली बिग चिल्ड्रेन नहीं है, जबकि वो एक अलग एंटिटी है, उसके लिए उसका एक्सपीरियंस अलग है, उसका मोटिवेशन अलग है, उसका नीड अलग है, इसलिए हमको उसके लिए अलग लर्निंग थ्योरी की जरूरत है। इसके लिए प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, इसके लिए एजम्पशन बताया गया है, और ये हमको लॉजिकल भी लगता है। और ये क्रम यहाँ रुका नहीं ह्यूटेगॉजी, अब ह्यूटेगॉजी के बाद कुछ और आ जाएगा, है ना। तो जो लोग काम करते हैं, जो सोचते रहते हैं, वो हमको नए नए टर्म्स बताते हैं, और वो बताकर हम लोग एकदम क्या हो जाते हैं, मतलब नॉलेजेबल हो जाते हैं, हम भी ज्ञानी हो जाते हैं जान के। तो अभी हम पेडागॉजी को ही पढ़ा रहे थे, अभी पेडागॉजी में भी इतनी चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को पढ़ना है। पेडागॉजिकल एनालिसिस की बात होने लगी, जबकि पेडागॉजिकल एनालिसिस की बात पहले नहीं की जा रही थी। तो
पेडेगॉजिकल एनालिसिस भी आपके नेट के कोर्स में आ गया है, उस पर भी बात कर लेंगे किसी दिन। तो पेडेगॉजी हो गया, फिर एंड्रेगॉजी, फिर ह्यूटेगॉजी। ये एंड्रियोलॉजी और ह्यूटोलॉजी हमें नए टर्म्स पता चले हैं और अब हम उनको जान के रखेंगे। किसी के सामने हमको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि अरे हम रिलेटेड टू एजुकेशन डिसिप्लिन एंड वी डोंट नो इवन अबाउट एंड्रियोलॉजी एंड ह्यूटोलॉजी।